हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.7 की क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। यहां एक कोन की हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें यहां पर रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मींस आर की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं यूज करनी है, 3.14 यूज करनी है। दैट मींस यहां पर इस कोन की हमें हाइट दी गई है, एच की वैल्यू दी गई है, दिस इज 15 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमें बतानी है एंड टोटल जो वॉल्यूम है इसका वो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। एंड नाउ हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1570। यहां पर हम सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दिस इज पाई की वैल्यू एंड आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, दिस इज 15। सो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1570 × 3/3.14 × 15। ओके, सो दिस इज 3 5 15 एंड 5 से ही कैंसिल हो सकता है, 5 3 15, 5 1 5 एंड 5 4 20। तो ये आ जाता है 314 एंड यहाँ पर भी है 314। ये डेसिमल हटा देते हैं या 100, तो ये दोनों कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 100। सो आर की वैल्यू अंडर रूट 100, दिस इज 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने रेडियस को फाइंड कर लिया है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर दिया जाए, अगर हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दे दी जाए 5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम यहाँ पर सेम वैल्यू दे दी जाए 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तब आप h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें आप हाइट की वैल्यू बता सकते हैं कितनी आएगी, टेल मी योर आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टू वॉच योर नेक्स्ट वीडियो।